हमारे साथ हैं वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी। हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे झारखंड की राजनीति बारे में। आगामी झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने वाली 19 तारीख को, और इन संदर्भ में और तमाम तरह की बातें हैं। यहाँ पर संगठन में भी बदलाव होने वाली है, हम उनसे जानते हैं। रामेश्वर उरांव जी, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहे कि आप लोग जो प्रवासी मजदूर को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं भाई, बता दें, वो बताएं, स्पष्ट करें ना। एक है ना, ये छिपी छिपी बात से क्या होगा, स्पष्ट करें क्या राजनीति कर रहे हैं। हम तो काम कर प्रवासी मजदूरों के, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके हित में काम कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, उनको घर पहुंचा रहे हैं, उनके खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे आगे क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जितनी आपकी पार्टी है चाहे सरकार में, सिर्फ संथाल को लेकर फोकस है। वहाँ पर दुमका में उपचुनाव होने वाली है और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दुमका में ही लगे हुए हैं। अच्छा है, अब क्या बोले उनको कमेंट कर। अगर दुमका में चुनाव होगा तो हम राजनीति में हैं तो दुमका नहीं जा करके हम चायबासा में बैठे रहें। दुमका अब तो जाना ही पड़ेगा हमको, दुमका जाना पड़ेगा, बेरमो जाना पड़ेगा, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, दोनों जगह जाएंगे हम। जेएमएम के साथी लोग जाएंगे, नेता लोग जाएंगे, कांग्रेस के भी हम लोग जाएंगे, सब दोनों जगह जाएंगे। इसमें कौन सा परहेज, इसमें क्या बोलना चाहते हैं वो। और करें राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार हॉर्स ट्रेडिंग को ही बढ़ावा दे रही है, उनके पास आंकड़े नहीं है फिर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे, इस पर क्या कहेंगे। अखबार में पढ़ रहा था मैं, राजस्थान में बीजेपी को बहुत सीट है, बहुत कम सीट है, लेकिन तीन चुनाव लड़ रहे हैं, तीन कैंडिडेट खड़ा किए हैं, काहे को खड़ा किए हैं। भैया हम राजनीति में हैं, राजनीति में जो है वो चुनाव से परहेज नहीं कर सकता। और ये कई दफ़े ऐसा हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है कि आपको घमंड है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास नंबर है, लेकिन पहले हो चुका है, ये आप गिर चुके हैं पहले, नंबर रहते हुए भी। बहुत तरह से बहुत से फैक्टर काम करते हैं, पैसा ही फैक्टर काम नहीं है। और जहाँ तक हॉर्स सेटिंग का सवाल है तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके मार्फत से पूरे राज्य को, पूरे देश को, कि कांग्रेस पार्टी के पास हॉर्स ट्रेडिंग के लिए साधन ही कहाँ बचा। हम तो ईमानदारी से रहे शुरू से, है ना। अरे हमारे नेता तो आज़ादी की लड़ाई में चादर बिछा के चवनिया ठनी जमा करते थे, बाद के वर्षों में भी हम उल्टा पलटा कभी नहीं किए। और आप तो क्या कर रहे हैं, अरे ऐसी सरकार मध्य प्रदेश से गिर गई, आप क्या कर रहे हैं, है ना। सब जगह देखिए रहा, गुजरात में क्या खेल रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। आपका हॉर्स ट्रेडिंग क्या कहलाता है लोगों को मालूम है, आप क्या कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए लोगों को मालूम है, आप दूसरे को क्या सुना रहे हैं सब बात। सरयू राय ने भी कहा कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवार भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए था, उनके पास आंकड़े नहीं है। ऐसा है, सरयू राय जी का बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से मैं, लेकिन मेरी पार्टी सरयू राय के राय से नहीं चलती है। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी जिसकी अध्यक्ष हैं, राहुल जी जिस ऐसे बड़े नाम हैं हमारे पार्टी में, वो क्या सरयू राय जी के सलाह पर चलेंगे। मंत्री जी, और एक चर्चा है कि अब भाजपा बेरमो उपचुनाव को लेकर रघुवर दास का नाम आ रही, इस पर क्या कहेंगे। क्या जी, बेरमो में उपचुनाव को लेकर रघुवर दास को उम्मीदवार बनाने को लेकर अटकलें तेज है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी को भी खड़ा कर दे, बीजेपी ये पार्टी है वो किसी को भी खड़ा कर सकती है। उसमें क्या हम इसमें कमेंट करें, क्या टिप्पणी दें उसमें। हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर, कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट सिटिंग वहाँ पर एमएलए थे राजेंद्र बाबू, और वहाँ फिर हम जीतेंगे, इतने कहेंगे। और ये 17 को जो यूपीए कमेटी का बैठक है मुख्यमंत्री के साथ, उसमें किन किन बातों पर चर्चा होगी। नहीं, उसको अभी नहीं, मुख्यमंत्री जानते हैं, हम लोग जमा होंगे, बात होगी, क्या क्या बात होगी, एजेंडा तय नहीं है। अगर होगा भी तो आपको नहीं बताता मैं, ये पब्लिक करने का चीज़ नहीं है। 19 को राहुल गांधी का जन्मदिन है, क्या आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई। हम लोग उस दिन, राहुल जी बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, पूरे पार्टी सेंसिटिव है कि कोरोना संकट में हम किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, सादगी के साथ लोगों के साथ मिल करके, लोगों के साथ खड़ा रहेंगे हम,
जगह जगह गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम फूड किट्स का इंतजाम करेंगे, खाना का खिलाने का इंतजाम करेंगे, कम्युनिटी किचन खोलेंगे उस दिन, गाँव में, शहरों में, दोनों जगह सभी प्रखंड में व्यवस्था कर रहे हैं, सभी शहरों में करेंगे हम। और फिर जो कोरोना योद्धा हैं हमारे, कोरोना वॉरियर्स, जो डॉक्टर हुए, नर्सेस हुए, सफाई कर्मी हुए, पुलिस हुए, उनको हम सम्मानित करेंगे। ये थे हमारे साथ रामेश्वर उरांव जी थे, और इन्होंने झारखंड की राजनीति, राज्यसभा चुनाव को लेकर, राहुल गांधी के जन्मदिन मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार जो जन्मदिन मनाया जाएगा पूरी साधारण रूप से मनाई जाएगी, और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, मजदूर हैं, उन सबको खाना पहुंचाने का इस बार कांग्रेस पार्टी हर जिला अध्यक्ष के साथ काम करेगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीषा, ओंकार बामी, रांची।